सबसे पहले बात कांग्रेस की आज से शुरू होने जा रही भारत जोड़ो यात्रा की। कांग्रेस की बहुप्रतीक्षित कन्याकुमारी से कश्मीर तक होने वाली 3500 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा का आगाज आज तमिलनाडु के कन्याकुमारी से होने जा रहा है। दोपहर 3 बजे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी यात्रा का विधिवत आगाज करेंगे। इस मौके पर राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए राजस्थान से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री और पंजाब के प्रभारी हरीश चौधरी, पूर्व मंत्री और गुजरात के प्रभारी रघु शर्मा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य रघुवीर मीणा कन्याकुमारी पहुंचे हैं। इसके अलावा राजस्थान से 9 अन्य नेता भी इस यात्रा में शामिल होंगे। इनमें कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा भी शामिल हैं। ये 9 नेता 150 दिन राहुल गांधी के साथ 3500 किलोमीटर लंबा ये सफर तय करेंगे। इस यात्रा के लिए देश भर से 118 कार्यकर्ताओं का चयन किया गया है, जिनमें से 9 राजस्थान से हैं, जिन्हें भारत यात्री नाम दिया गया है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि इस यात्रा का मकसद राजनीतिक लाभ लेना नहीं है, बल्कि देश के ज्वलंत मुद्दों से जनता को अवगत करवाना है। केंद्र सरकार और बीजेपी की नीतियों से देश की जनता को अवगत करवाना है। देश में भाईचारा और सद्भाव बनाना है। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 150 दिन हर समय यात्रा में मौजूद रहेंगे। प्रत्येक दिन 25 किलोमीटर का पैदल सफर तय किया जाएगा। उसके बाद जहां पर 25 किलोमीटर पूरे होंगे वहीं पर पड़ाव डाल दिया जाएगा। इधर भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में प्रदेश में भी राजस्थान कांग्रेस की ओर से सभी 400 ब्लॉक में कल सुबह 7 बजे से प्रत्येक ब्लॉक में 10 से 15 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल होंगे। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा संभवतः नवंबर के पहले सप्ताह में राजस्थान में प्रवेश करेगी। राजस्थान में ये यात्रा 21 दिन तक निकलेगी। चलिए इस पर और ज्यादा अपडेट और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी फिरोज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। फिरोज, भारत जोड़ो यात्रा आखिर आज से शुरू हो रही है। 3500 किलोमीटर का ये सफर है जिसे पैदल ही पूरा किया जाना है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ये यात्रा टोटल कितने वक्त की रहने वाली है, कितने वक्त में 3500 किलोमीटर का सफर पूरा हो जाएगा और कितने लोग इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ मौजूद रहेंगे? पूनम, बहुप्रतीक्षित यात्रा है जिसका फैसला जो मई के अंदर पार्टी का राष्ट्रीय संकल्प शिविर हुआ था उसमें इसका फैसला लिया गया था और काफी इस पर एक्सरसाइज करने के बाद में आज से इस यात्रा का आगाज कन्याकुमारी से होगा और कश्मीर यानी कि जो श्रीनगर है वहां तक ये यात्रा चलेगी। 3500 किलोमीटर की पदयात्रा होगी और 150 दिन में ये यात्रा जाकर संपन्न होगी। तो आज दोपहर 3 बजे इसका विधिवत इसका आगाज किया जाएगा। और मैं बात करूं, देश भर से कांग्रेस के नेता हैं वो इस यात्रा में क्या समारोह है उसमें शामिल होने के लिए गए हैं। अगर बात करें यहाँ से तो यहाँ से भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट समेत करीब 12 लोग यहाँ से गए हैं। और पूनम, बड़ी बात इसमें यह भी है कि देश भर से 118 लोगों का इसमें इसकी यात्रा के लिए चयन किया गया था जो कि पूरे 150 दिन राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में शामिल होंगे और करीब हर दिन यानी कि जो हर दिन करीब 25 किलोमीटर की यात्रा है वो पैदल होगी। उसमें 15 किलोमीटर की जो यात्रा है वो दिन में होगी और 10 किलोमीटर की यात्रा है वो शाम 5 बजे के बाद से होगी। तो यानी कि 25 किलोमीटर प्रतिदिन जो है जो लोग चलेंगे। अगर बात की जाए यात्रा की तो आज से दोपहर तीन बजे इसका आगाज होने जा रहा है। और अगर बात करें यहाँ की बात करते हैं राजस्थान की, तो यहाँ पर करीब ये कहा जा रहा है कि नवंबर के पहले हफ्ते में यात्रा जो है वो यहाँ पर प्रवेश करेगी और करीब 500 किलोमीटर की जो यात्रा है वो अकेले हमारे प्रदेश के अंदर होगी। तो काफी बड़ी यात्रा होगी और इसके लिए एक सियासी संदेश भी कई तरह से दिए जाएंगे। जी बिल्कुल फिरोज, जिस तरह से 150 दिन की यात्रा है आप बता रहे हैं, राहुल गांधी के साथ कुछ एक ऐसे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हैं जिनका चयन किया गया जो कि पूरे 150 दिन उनके साथ मौजूद रहेंगे, तो उसमें राजस्थान से कौन कौन शामिल है? बिल्कुल, देखिए पूनम, इसमें करीब 9 लोग जो है वो यहाँ से शामिल किए गए जिनमें पार्टी के राष्ट्रीय जो प्रवक्ता हैं मुख्य प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, उनका नाम भी शामिल है। उसके अलावा रूबी खान जो कि महिला कांग्रेस से, उसके अलावा
सात अन्य लोग इसमें शामिल किए गए हैं, जो कि काफी एक गहन मंथन के बाद उनके उनके नाम जो है वो फाइनल किए गए। यानी कि 150 दिन का मतलब ये कि कम से कम 5 महीने उनको जो है उस सफर पे निकलना है। करीब 25 किलोमीटर का सफर प्रतिदिन का होगा, तो एक बड़ा एक टास्क जो है उसको हम कह सकते हैं, और काफी जो एक मेहनती टास्क भी होगा, क्योंकि कई स्टेट से जो यात्रा है वो कुछ रहेगी तो और श्रीनगर में जाकर संपन्न होगी, तो तकरीबन माना जा रहा है। जी फिरोज, सुबह राहुल गांधी जिस तरह से पेरम्बदूर पहुंचे हैं, उन्होंने अपने पिता राजीव गांधी को श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए हैं, और कौन कौन से नेता हैं जो कि पहुंच चुके हैं, क्योंकि 3 बजे से यात्रा की शुरुआत ही होनी है? देखिए पुनः इसमें देश भर से कांग्रेस के जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के लोग हैं, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल है, और जो कैंपेन जो चलेगी यात्रा उसके जो राष्ट्रीय संयोजक बनाए गए हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह, वो इस यात्रा में शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट वो इस कमेटी के मेंबर हैं, तो उस नाते वो भी इस यात्रा में शामिल होंगे। तो काफी लोग इसमें शामिल होंगे, लेकिन जो 118 लोग हैं वो कल से, यानी कि आज विधिवत शुरुआत होगी और कल सुबह से यात्रा जो है वो शुरू होगी। और पुनः बड़ी बात यह कि आज जैसे यात्रा जो है वो कन्याकुमारी में आज से यात्रा का आगाज होगा, लेकिन राजस्थान के अंदर भी कल से प्रत्येक ब्लॉक के अंदर 15 किलोमीटर की यात्रा है वो निकाली जाएगी। जी बिल्कुल। और फिरोज, ये जानना भी बेहद जरूरी है कि 150 दिन की यात्रा है, राहुल गांधी जिस तरीके से पहले ही जानकारी सामने आ चुकी है, किसी 5-स्टार होटल में वो रुकेंगे नहीं, एक तरह से उनका एक काफिला चलता रहेगा और जहां जहां रुकेंगे वहीं पर पड़ाव डाला जाएगा, तो किस तरीके से होगी ये यात्रा जो है पूरी, खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? देखिए पुनः इसका एक लंबा चौड़ा इसका एक रोड मैप बनाया गया है, और जहां पर भी यात्रा का पड़ाव होगा वहां पर उनके ठहरने खाने तमाम की जो जिम्मेदारी है वो वहां की स्थानीय जो पार्टी की इकाई है उसकी जिम्मेदारी है कि वो उनके रहने खाने का प्रबंध करेंगी। साथ में कई गाड़ियां जो है वो उनके आगे आगे चलेंगी, जिसमें कि उनका उनका लगेज होगा, उनका सामान होगा, और उनके खाने पीने का सामान भी जो है उन्हीं गाड़ियों के अंदर रखा जाएगा। तो काफी आगे एक तरीके से कई गाड़ियां जो है उनकी आगे चलेंगी, जिसमें तमाम तरह की चीजें होंगी, और जहां पर उनका पड़ाव होगा वहां पर उनके ठहरने खाने पीने की जिम्मेदारी जो है वो स्थानीय पार्टी के जो वर्कर होंगे, पार्टी के जो नेता होंगे, उनकी जिम्मेदारी होंगी। आपको याद होगा पूनम, ऐसी एक यात्रा प्रदेश के अंदर भी जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से निकाली गई थी, जहां पर 20 किलोमीटर प्रतिदिन जो है एक रैली चलती थी, और जहां पर भी रैली का पड़ाव होता था वहां पर उसके ठहरने खाने की जिम्मेदारी जो है वो स्थानीय विधायकों और पार्टी के जो स्थानीय लीडर थे उनकी होती थी। बिल्कुल। चलिए बिल्कुल फिरोज, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।